हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो जैसा कि आपको पता है, अभी चैनल पर जॉन मिल्टन के एमसीक्यूज की सीरीज चल रही है। इसका फर्स्ट पार्ट मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो इसी चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और साथ ही अगर इस बार किसी ने NVS TGT 2022 का एग्ज़ाम दिया था तो उसकी ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है और मैंने उसकी वीडियो भी अपलोड की थी। आप चाहो तो उसे भी देख सकते हो, अपने आंसर्स को मैच कर सकते हो इजीली। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। इसमें मैं MCQs कराऊंगी जॉन मिल्टन पे और ये करीब 30 क्वेश्चंस होने वाले हैं। और तो शुरू करते हैं फिर। ठीक है, देखिए यहाँ तक मैं कंप्लीट करा चुकी थी। ग्रेट प्लेग अकर्ड इन, जो ग्रेट प्लेग था ब्रिटेन में कब अकर्ड हुआ था, तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर था वो क्या था, 1665। अब हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पोयम डील्स विद सैटर्न्स टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट इन वाइल्डनेस। कौन सी पोएम है जो डील करती है किससे, सैटर्न्स टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट इन वाइल्डनेस। ऑप्शंस आपके नेक्स्ट पेज पर हैं, इन्हें देख लेते हैं। ये हैं ऑप्शंस। ऑप्शन है पैराडाइज रीगेन्ड, पैराडाइज लॉस्ट, लेसिडस, नन ऑफ दीज। व्हाट इज द करेक्ट आंसर। वर्क आप दोबारा देख सकते हैं, सैटर्न्स टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट इन वाइल्डनेस। ओके, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। यस, द राइट आंसर इज पैराडाइज रीगेन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, सॉरी थोड़ा प्रिंट तिरछा आ रहा है, आई होप आपको क्लियर दिखी रहा होगा। अभी इसे देख लेते हैं, हु डिस्क्राइब मिल्टन एज द माइटी माउथड इन्वेंटर ऑफ हारमोनीज एंड गॉड गिफ्टेड ऑर्गेन वॉइस ऑफ इंग्लैंड। किसने मिल्टन को कहा है द माइटी माउथड इन्वेंटर ऑफ हारमोनीज ऑफ एंड गॉड गिफ्टेड ऑर्गेन वॉइस ऑफ इंग्लैंड। हु इज दिस स्पीकर। ऑप्शंस आर आर्नोल्ड, वर्ड्सवर्थ, शैली, टेनिसन। व्हाट इज द करेक्ट आंसर, सोचिए आंसर कीजिए, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। देखिए मिल्टन के बारे में ये कमेंट करने वाले थे टेनिसन, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट है, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है, ये पी है। पन हिल फील्ड्स इज एसोसिएटेड विद, बताइए पन हिल फील्ड्स इज एसोसिएटेड किससे एसोसिएटेड है, मिल्टन, शैली, शेक्सपियर, गॉल्सवर्थी। यस, यहाँ तो आप सीधे सीधे गैस कर लोगे कि क्या है इसका राइट आंसर, क्योंकि राइटर स्पेसिफिक सीरीज है। लेकिन आपको याद रखना है, इसे नोट डाउन भी करके रख सकते हो आप, कि पन हिल फील्ड्स जो हैं वो किससे रिलेटेड हैं, मिल्टन से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मिल्टन इज सेड टू बी द फर्स्ट एलिजाबेथन, द सेकेंड एलिजाबेथन, द बिलेटेड एलिजाबेथन, या नन ऑफ दीज, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। मिल्टन इज सेड टू बी, यस, अ बिलेटेड एलिजाबेथन। ओके, नेक्स्ट, और ऐसा इन्हें क्यों कहा जाता है, इसका रीजन आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में लिखकर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। From 12 years of age, I hardly ever left my studies or went to bed before midnight. Whose statement is this? देखिए कितनी motivational चीज़ है। From 12 years of age, I hardly ever left my studies or went to bed before midnight. तो कितने मेहनती रहे होंगे ये अपनी लाइफ के दौरान। ऑप्शंस हैं मिल्टन, शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ, नन ऑफ दीज। तो इसका भी करेक्ट आंसर क्या है, जॉन मिल्टन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। फ्रॉम 1632 टू 1638 मिल्टन कंटिन्यूड हिज स्टडीज एट। तो 1632 से लेकर 1638 के बीच में मिल्टन ने अपनी स्टडीज कहां पर की थी,
ऑप्शंस आर बोस्टन, हार्टन, ब्रेड स्ट्रीट, नन ऑफ दीज. क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए. यस, इसका करेक्ट आंसर है हॉटन. ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. हॉटन में इन्होंने स्टडी की थी. नेक्स्ट चलते हैं. विच टू पोएम्स ऑफ मिल्टन आर कंपेनियन पीस. मिल्टन की कौन सी दो पोएम है जो कंपेनियन पीसीज हैं? एल एलजेरो और एल पेंसरोसो, पैराडाइज लॉस्ट एंड पैराडाइज रीगेन, कॉमस एंड लिसिडस, नन ऑफ दीज. बताइए, विच टू पोएम्स ऑफ मिल्टन आर कंपेनियन पीसेस. सोचिए और आंसर कीजिए. यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, एल एलजेरो एंड एल पेंसरोसो. नेक्स्ट, द टाइटल ऑफ एल एलजेरो एंड एल पेंसरोसो आर फ्रॉम. ये कहाँ से लिए गए हैं ये दोनों टाइटल? ऑप्शंस आर माइक्रोबायोलॉजी, माइकोलॉजी, म्यूजिकोलॉजी या नन ऑफ दीज. क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए. यस, ये जो दोनों टाइटल हैं ये कहाँ से लिए गए हैं? यस, इसका करेक्ट आंसर है म्यूजिकोलॉजी. ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट चलते हैं. द मीनिंग ऑफ एल पेंसरोसो, एल पेंसरोसो का मीनिंग क्या है? बताइए, द मीनिंग ऑफ एल पेंसरोसो. नेक्स्ट ऑप्शंस हैं द थॉटफुल मैन, द हैप्पी मैन, द रोमांटिक मैन या आइडोलेटिक मैन. इडियोटिक मैन है शायद. हाँ, इडियोटिक मैन. ओके, द मीनिंग ऑफ एल पेंसरोसो. व्हाट इज द करेक्ट आंसर? यस, द राइट आंसर इज द थॉटफुल मैन. देखिए, आपको अपना इवैल्यूएशन खुद करते हुए चलना है. मैंने कई बार बताया है आपको कि आप जब भी वीडियो देखें तो नोटबुक पेन लेकर बैठा कीजिए और अपने क्वेश्चंस के आंसर पहले ही नोट डाउन कर लीजिए कि आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर है, फिर उसे मैच कीजिए. आपके कितने करेक्ट हो रहे हैं ये आपको पता चलेगा. ठीक है, एल एल जीरो, आफ्टर वैनिशिंग द स्पिरिट ऑफ लोडेड मेलनकॉली वेलकम्स द गॉडेस ऑफ मिर्थ. देखिए, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, हम इसे देख लेते हैं. ये है एल एल जीरो, आफ्टर बैनिसिंग द स्प्रिट. ये है स्प्रिट, एस पी आई आर आई टी, स्प्रिट ऑफ लोदेड. ठीक है, लोद होता है ना, लोदेड है ये. वेट अ मिनट, मैं इसकी स्पेल दोबारा लिख देती हूँ. देखिए, ये है एल एल, यहाँ नहीं, यहाँ लिखते हैं एल O A T H E D, loaded. ठीक है, नेक्स्ट है एल एल जीरो, आफ्टर बैनिशिंग द स्प्रिट ऑफ लोदेड मेलनकली वेलकम्स द गॉडेस ऑफ मिर्थ. ऑप्शंस आर यूप्रोसेने, नेक्स्ट है मेजा, वीनस, इन नन ऑफ दीज. क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका करेक्ट आंसर है यूप्रोसेने. ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट चलते हैं. एल पेंसरोसो, आफ्टर बैनिशिंग डिल्यूडिंग जॉयज वेलकम्स द गॉडेस. किसका वेलकम करते हैं, कौन सी गॉडेस का? मेलनकली, हेवन स्प्रिट, वीनस, प्लेजर. एल पेंसरोसो, आफ्टर बैनिशिंग डिल्यूडिंग जॉयज वेलकम द गॉडेस ऑफ, यस, मेलनकली. ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट चलते हैं. इन पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट सैटर्न इज कंपेयर टू. पैराडाइज लॉस्ट के बुक फर्स्ट में सैटर्न को कंपेयर किया गया है किससे? ऑप्शंस हैं जैंट से, घोस्ट से, वैम्पायर से, या फिर नेक्स्ट ऑप्शन है लेवियाथन से. आई होप ये विजिबल होगा आपको, इसे दोबारा लिख देती हूँ मैं. ये है लेवियाथन, एल वेट अ मिनट, हाँ
ये है लेवियाथन, मैं यहाँ लिखती हूँ ऑप्शन डी है हमारा लेवियाथन, एल ई वी आई ए टी एच ए एन, लेवियाथन। ठीक है, जायंट वैम्पायर घोस्ट लेवियाथन। तो किससे कंपेयर किया गया था सैटर्न को? पैराडाइज बुक फर्स्ट में, पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट। तो इसका ट्रू आंसर, ये करेक्ट आंसर कहिए, तो ये है ऑप्शन डी लेवियाथन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, सैटर्न कैन सेड्यूस मैन, सैटर्न कैन सेड्यूस मैन बट ऑन हिमसेल्फ ही विल हैव, ऑप्शंस हैं ट्रेवल, कन्फ्यूजन, ब्रेथ एंड वेंजेंस, कन्फ्यूजन, ब्रेथ एंड वेंजेंस, और नेक्स्ट है फाइव फोल्ड, कन्फ्यूजन, ब्रेथ एंड वेंजेंस, नन ऑफ दीज। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? देखिए बेसिकली क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, सैटर्न कैन सेड्यूस मैन बट ऑन हिमसेल्फ ही विल हैव, मतलब वो अपने आप में कैसा है ये कहा जा रहा है। तो अपने आप में क्या है? ट्रेबल, कन्फ्यूजन है, रैथ है एंड वेंजेंस है, या फिर कन्फ्यूजन, रैथ एंड वेंजेंस है, फाइव फोल्ड कन्फ्यूजन, रैथ एंड वेंजेंस है, वेंजेंस, बताइए क्या होगा राइट आंसर? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ट्रेबल, कन्फ्यूजन, रैथ एंड वेंजेंस। नेक्स्ट, हु वॉज नेक्स्ट टू सैटर्न, बताइए। ऑप्शन है अबिल, केन, मॉलेक या बील, सॉरी ये बील नहीं, बेलजीबब है। ठीक है, बेलजीबब, BELZEBUB। ठीक है, बेलजीबब है ये ऑप्शन, अबेल, केन, मॉलेक या बेलजीबब। तो नेक्स्ट टू सैटर्न मतलब सैटर्न से अपकमिंग जो जो भी बोल लीजिए, राजा बोल लीजिए एक तरीके से, या फिर जितनी भी अथॉरिटी हैं जो सैटर्न के पास है, उसके बाद वो किसकी होंगी, या सैटर्न जैसा ही कौन है, तो वो कौन है? बेलजीबब। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, मॉलेक इज द हॉरिड हॉराइट किंग बेस्मेयर्ड विद ब्लड ऑफ, ऑप्शंस आर ह्यूमन सेक्रीफाइसेस, एनिमल सेक्रीफाइस, घोस्ट या नन ऑफ दीज। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ह्यूमन सेक्रीफाइस। नेक्स्ट, हुज वुंड अल्योर्ड द सीरियन डैमसल्स टू लेमेंट हिज फेट, हुज वुंड अल्यूड द सीरियन डैमसल्स टू लेमेंट हिज फेट, ऑप्शंस आर थेम्यूस, मॉलेक, अबेल, नन ऑफ दीज, एबल, ये नन ऑफ दीज। क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। इसका करेक्ट आंसर है थेम्यूस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, हु केम लास्ट इन द लाइन ऑफ द फॉलन एंजल्स, बताइए फॉलन एंजल्स की लाइन में सबसे लास्ट में कौन आया था? हु केम लास्ट इन द लाइन ऑफ फॉलन एंजल्स, ऑप्शंस आर बिलाल या बेलियल, थेम्यूस, मॉलेक, एबिल। क्या होगा राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। हु केम लास्ट इन द लाइन ऑफ फॉलन एंजल्स? यस, इसका करेक्ट आंसर है वेलियल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, ही इज एसोसिएटेड विद लस्ट एंड वायलेंस, ही रेन्स इन कोर्ट एंड प्लेसेस, हु इज ही, कौन है ये? ही इज एसोसिएटेड विद लस्ट एंड वायलेंस, ही रेन इन कोर्ट्स एंड प्लेसेस, पैलेसेस। ऑप्शंस आर थेम्यूस, मॉलेक, बेलियल या नन ऑफ दीज। सोचिए, आंसर कीजिए। देखिए, ये भी कौन ही है? वेलियल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, व्हेन नाइट, देखिए ये थोड़ा मिसप्रिंट भी है, रुकिए एक मिनट। यस, व्हेन नाइट यहां पे है डार्क, ठीक, डार्कन्स, व्हेन नाइट डार्कन्स द स्ट्रीट, देन वंडर फोर्थ द सन्स ऑफ वेलियल, फ्लॉन विद इंसोलेंस एंड वाइन, वेयर डू दीज लाइन्स अपीयर, ये लाइन हमें कहाँ देखने को मिलती है? वेन नाइट डार्कन द स्ट्रीट देन वंडर फॉर द सन्स ऑफ वेलियल, फ्लॉन
विद इंसोलेंस एंड वाइन. ऑप्शंस आर पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रीगेन, कोमस. व्हाट इज द करेक्ट आंसर? यस, द राइट आंसर इज पैराडाइज लॉस्ट. ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. मूविंग टू द नेक्स्ट, व्हाई डू द हॉस्पिटेबल डोर इज गिबास एक्सपोज अ मैट्रॉन. बताइए, व्हाई डू द हॉस्पिटेबल डोर इन गिबास एक्सपोज अ मैट्रॉन. वेट अ मिनट. यस, ऑप्शंस आर टू अवॉइड वर्स मर्डर, टू अवॉइड द वर्स्ट मिस हैपनिंग, टू अवॉइड वर्स रेप, नन ऑफ दीज. सोचिए, आंसर कीजिए. क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, इसका करेक्ट आंसर है टू अवॉइड वर्स रेप. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं. फॉर दिस इन्फर्नल पिट शैल नेवर डू, सॉरी, फॉर दिस इन्फर्नल पिट शैल नेवर होल्ड कैलेस्टियल स्प्रिट इन बॉन्डेज, वेयर डू दीज लाइन अपीयर. ये लाइन हमें कहाँ देखने को मिलती है? लाइन एक बार रीड आउट करते हैं. फॉर दिस इन्फर्नल पिट शैल नेवर होल्ड कैलेस्टियल स्प्रिट इन बॉन्डेज. ऑप्शंस आर पैराडाइज रीगेन, कॉमस, लेसिडस, पैराडाइज लॉस्ट. What is the correct answer? Yes, the right answer is option D, Paradise Lost. Next, let none admire that riches grow in hell, that soil may best deserve the precious bane. Where do these line appear? ये line हमें कहाँ देखने को मिलती है? ऑप्शन आपके सामने हैं, दो ऑप्शन यहाँ हैं, दो नेक्स्ट पेज पे. पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रीगेन और नेक्स्ट ऑप्शन है कॉमस या लेसिडस. क्या होगा राइट आंसर? सोचिए और आंसर कीजिए. क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? लेट नन एडमायर दैट रिचेस ग्रोज इन हेल, दैट सोइल मे बेस्ट डिजर्व द प्रीशियस बेन. यस, इसका करेक्ट आंसर है पैराडाइज लॉस्ट. ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. मूविंग टू द नेक्स्ट, रोज लाइक एन एक्सलेशन विद द साउंड ऑफ, यहाँ पर है डल्सेट सिम्फोनीज एंड वॉइस स्वीट. व्हाट रोज लाइक एन एक्सलेशन? ऑप्शंस आर एल्यूमिनियम, पेंडामोनियम, रेडियम या नन ऑफ दीज. सोचिए, आंसर कीजिए. क्या होगा इसका राइट आंसर? रोज लाइक एन एक्सलेशन विद द साउंड ऑफ डल्सेट सिम्फोनीज एंड वॉइस स्वीट. व्हाट रोज लाइक एन एक्सलेशन? यस, इसका करेक्ट आंसर है पेंडिमोनियम. ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द ट्रू आंसर. नेक्स्ट, वी रीड पैराडाइज लॉस्ट एज अ टास्क नोबडी एवर विज्ड इट लॉन्गर. हु सेड? किसका कमेंट है ये पैराडाइज लॉस्ट के विषय में कि वी रीड पैराडाइज लॉस्ट एज अ टास्क नोबडी एवर विज्ड इट लॉन्गर. कोई भी ये नहीं चाहता कि ये लंबी हो. ठीक है, वी रीड पैराडाइज लॉस्ट एज अ टास्क. ऑप्शंस आर डॉक्टर जॉनसन, बेन जॉनसन, आर्नोल्ड या नन ऑफ दीज. किसने कही थी ये बात? सोचिए, आंसर कीजिए. यस, इसका करेक्ट आंसर है डॉक्टर जॉनसन, यानी डॉक्टर सैमुअल जॉनसन. ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट चलते हैं, जॉर्ज हर्बर्ट, थॉमस कैरियू, रॉबर्ट हैरिक, रिचर्ड क्रॉशो, रिचर्ड लवलेक, हेनरी वोगम, एंड्रयू मार्बेल आर मिल्टन्स. ये मिल्टन के क्या थे? जॉर्ज हर्बर्ट, थॉमस कैरियू, रॉबर्ट हैरिक, रिचर्ड क्रॉशो, रिचर्ड लवलेक, हेनरी वोगम एंड एंड्रयू मार्बेल. कौन थे ये? फ्रेंड्स थे, एनिमीज थे, कंटेम्परेरीज थे या नन ऑफ दीज? क्या होगा राइट आंसर? तो वैसे हम इसे लॉजिकली सोच कर भी आंसर कर सकते हैं. अगर आपको इनके जीवन काल
की डेट पता है या फिर ईयर पता है, ठीक है। आप देखोगे कि ये सारे राइटर सेम ही टाइम पीरियड के हैं और उसी टाइम पीरियड के हैं मिल्टन, तो राइट आंसर हो जाएगा कंटेम्प्रेरीज, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट, मिल्टन रोट अ लैटिन पेस्टोरल, मिल्टन ने लैटिन लैंग्वेज में एक पेस्टोरल लिखा टू एक्सप्रेस हिज सोरो ऑन द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड चार्ल्स ड्योडेटी। इट हैज़ सम सिमुलेटेड टू लिसिडस, और ये कुछ सिमुलेटेड है लिसिडस से, आइडेंटिफाई इट, इसका नेम क्या था ये बताना है। इन्होंने लैटिन लैंग्वेज में लिखा है, चार्ल्स ड्योडेटी के लिए लिखा है, इनके दोस्त थे, उनकी डेथ पर एक सोरो सॉन्ग लिखा है ऐसे मान लीजिए, और लैटिन पेस्टोरल है वो, ठीक है। तो उसका नेम क्या है, एपिथेलमियम डोमिनस, एपिथेलमियम या फिर प्रोथेलमियम, या नन ऑफ दीज। तो आप समझ ही गए होंगे क्या है इसका राइट आंसर। यस, एपिथेलमियम डोमिनस, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन अटैक ऑन द पॉलिटिकल करप्शन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन अटैक ऑन द पॉलिटिकल करप्शन ऑफ द क्लर्जी इन द इंग्लिश चर्च एंड अ प्ली फॉर डेमोक्रेसी इन द स्ट्रक्चर ऑफ द चर्च। बताइए इनमें से कौन सा इंसिडेंट है, वो इंसिडेंट था एक अटैक ऑन द पॉलिटिकल करप्शन ऑफ द क्लर्जी इन इंग्लिश चर्च एंड अ प्ली फॉर डेमोक्रेसी इन द स्ट्रक्चर ऑफ द चर्च। ऑप्शंस आर ऑफ रिफॉर्मेशन, ऑफ रिनासा, ऑफ ह्यूमनिज्म, नन ऑफ दीज। क्या होगा इसका राइट आंसर, सोचिए आंसर कीजिए। यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑफ रिफॉर्मेशन, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट, विच लिटरेरी पीस शोज द सुपीरियोरिटी ऑफ द प्रेसबाइटेरियन सिस्टम ऑफ चर्च गवर्नमेंट। विच ऑफ द विच लिटरेरी पीस शोज द सुपीरियोरिटी ऑफ द प्रेसबाइटेरियन सिस्टम ऑफ चर्च गवर्नमेंट। ऑप्शन आर ऑफ प्रीलेटिकल इम्प्रूवमेंट, ऑफ प्रीलेटिकल एपिस्कोपेसी या फिर सैमसन एगोनिस्ट, नन ऑफ दीज। कौन सा ऐसा वर्क है जो सुपीरियोरिटी दिखाता है ऑफ द प्रेसबाइटेरियन सिस्टम ऑफ चर्च गवर्नमेंट, व्हाट इज द करेक्ट आंसर। यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑफ प्रीलेटिकल एपिस्कोपेसी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट, इसे देखते हैं, ये है एनिमेट वर्जन्स एंड एन एंटी प्रीलेटिकल ट्रैक्ट इज एन अटैक ऑन द कैरेक्टर राइटर। बताइए एनिमेट वर्जन्स एंड एंटी प्रीलेटिकल ट्रैक्ट इज एन अटैक ऑन अ कैरेक्टर राइटर। ऑप्शंस आर मार्टिन हॉल, चौसर, बिशप्स, जोसेफ हॉल, नन ऑफ दीज। क्या होगा इसका राइट आंसर, यस, इसका करेक्ट आंसर है बिशप जोसेफ हॉल, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, इसे देख लेते हैं। विच ट्रैक्ट रिकमेंड्स फॉर द सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट, कौन सा ट्रैक्ट रिकमेंड करता है द सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट। इट इज़ अ लॉन्ग एक्लेस्टिकल ट्रैक, और ये एक लॉन्ग एक्लेस्टिकल ट्रैक है। क्या होगा इसका राइट आंसर, सोचिए आंसर कीजिए। यस, विच ट्रैक रिकमेंड्स फॉर द सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट, इट इज अ लॉन्ग एक्लेस्टिकल ट्रैक। ऑप्शंस आर द रीजन ऑफ चर्च गवर्नमेंट, द रीजन ऑफ चर्च ऑटोनॉमी, द हाइंग ऑन द नेटिविटी या फिर नन ऑफ दीज। क्या होगा इसका राइट आंसर, सोचिए आंसर कीजिए। यस, इसका करेक्ट आंसर है द रीजन ऑफ चर्च गवर्नमेंट, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो ठीक है, फिर आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, क्योंकि इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको डेली मिलती हैं इस चैनल पर और आपकी तैयारी को जो बूस्ट अप करती हैं, और साथ ही कोई न्यू अपडेट होती है तो वो साथ ही साथ मैं उसे भी देती रहती हूँ इसी चैनल पर। ठीक है, अभी हमारी ये दो सीरीज चल रही हैं, एक तो मैं इसका जॉन मिल्टन के MCQs की सीरीज चला रही हूँ और साथ ही हमने ग्रामर की भी सीरीज शुरू की थी जिसका फर्स्ट पार्ट मैं करा चुकी हूँ और नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो कल आएगी आपके लिए। ग्रामर के हम वर्ब चैप्टर कवर अप कर रहे थे, वर्ब की 2-3 टर्म्स मैंने समझा दी थी और उससे आगे की टर्म्स हम कल की वीडियो में समझेंगे और नेक्स्ट फिर हम उसी चैप्टर पे MCQs करने वाले हैं। ठीक है, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू।